बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रात के अंधेरे में छुपे राजों की हकीकत से कोई आश्ता न था सियाही ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था सुनसान सड़कों पर गूंजते सन्नाटे किसी भी जी रूह को खौफजदा कर सकते थे सर्द रात में उन अंधेरों की बासी बनी मैं ना जाने इस राज की खातिर कितना आगे निकल आई थी पूरे वजूद पर कपकपी ने डेरा जमा रखा था मैंने इतने वक्त तक इस रात का इंतज़ार किया था और आज जब यह रात आई थी तो मुझ पर एक नई कयामत टूट पड़ी थी मैं सोचकर भी कांप उठी थी कि मेरी जरा सी नादानी किस तरह मेरी पूरी ज़िंदगी पर बात कर सकती है जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तबाही मेरी मुंतजिर थी मैं एक ऐसे रास्ते की मुसाफिर बन बैठी थी जहां के लोग नाम लेने से भी कतराते थे मगर मैंने अपने लिए ये राह खुद चुनी थी मेरा एतबार ही मुझे लेट हुआ था मैं चारों तरफ बेकरारी के आलम में नजरें दौड़ाती आगे बढ़ती जा रही थी लबों पर विद जारी था यह रात मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा बढ़कर थी अगर आज मैं डर से हार मान जाती तो कभी भी खुद को इस साय की गिरफ्त से आज़ाद न कर पाती जिसने मेरा चैन सुकून बर्बाद किया था मुझसे मोहब्बत के दावेदार तमाम लोग मुझसे छीन लिए गए थे मुझे भरी दुनिया में तन्हा कर दिया गया था मैं नहीं जानती थी मेरा उठाया जाने वाला ये कदम सही साबित होगा या नहीं पर अब खुद को मजीद अजाब में नहीं धकेल सकती थी अब तक जितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी काफ़ी था मेरी नादानी मेरा गुनाह बन गई थी जिसकी पादाश में मुझसे मेरा सुकून तंग छिन गया था मैंने अपनी अट्ठारह साल जिंदगी में कभी भी ऐसा मंजर नहीं देखा था जो मैं उस रात देख चुकी थी वो मंज़र दीमक की मानिंद मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था मेरा दुख यह था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अपनी वजह से मैं अपनों का मजीद नुकसान नहीं कर सकती थी मुझे अपनी परवाह तो रही थी रातों को महसूस होने वाली वो हॉल नाक आवाजें अभी तक मेरे कानों में नासूर की तरह गूंज रही थी पिछले कुछ वक्त में कितनी कोशिश कर चुकी थी कि इन आवाज़ों से पीछा छोड़ा सकूं पर ऐसा मुमकिन ही ना हो सका था जिंदगी महज सन्नाटों में गुम होकर रह गई थी मुझे तो याद भी नहीं रहा कि आखिरी बार मैं कब मुस्कुराई थी क्योंकि मुझे अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत भी न थी कल की वो भयानक रात अभी तक मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी तजुद के पहर में नमाज पढ़ने उठी थी कि किचन से खटपट की आवाजें सुनाई देने लगी तजसस तो के हाथों मजबूर होकर मैंने कदम किचन की जानेब बढ़ाए थे पर जो ही मेरी नजर किचन के दरवाजे पर पड़ी मेरा लहू खुश्क हो गया आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गई मेरा सांस जैसे रुक सा गया था बाबरची खाने की दहलीज पर ही स्याह गोल दायरा बना था जिसमें अजीब तरह की लिखाई से कुछ लफ्ज लिखे गए थे पर मेरे चौकन्ने होने का बायस वो स्या बिल्ली थी जो उस दायरे के साथ बैठी अपनी चमकती आंखों से मुझे ही घूर रही थी खौफ से मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था आधी रात के वक्त मैं किसी को जगा भी नहीं सकती थी आवाज तो जैसे कहीं हलक में ही दबकर रह गई थी मैंने जल्दी से अपने कदम पीछे लेते लड़खड़ाते कदम अपने कमरे की जाने बढ़ाए थे और झट से दरवाजा बंद किया था खौफ ऐसा था जैसे अभी जान निकल जाएगी यह सब मेरे साथ क्या हुआ था मुझे सब कुछ एक बुरे ख्वाब की तरह लग रहा था कि सुबह उठूंगी और भूल जाऊंगी रात कुछ हुआ भी था मैंने कमरे में आते ही जल्दी से जाए नमाज बिछाई नीयत बांध ली थी मुझे अपने रब पर पूरा यकीन था इस परेशानी से निजात सिर्फ सजदे में थी मैं पूरे खुशो वजू से नमाज अदा कर रही थी कि अचानक मुझे एक तेज़ खुशबू का रेला अपने गिर्द महसूस हुआ दुआ मांगते हुए भी मेरे हाथ लर्जिश का शिकार थे आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था क्यों ये अजीब सी चीजें मुझे खौफजदा करने पर तुली थी मेरा कसूर क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने दुआ मांगते जल्दी से खुद पर तेज आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी क्योंकि वो खुशबू अब मुझे अपने बेहद नजदीक महसूस हो रही थी मानो कोई मेरे साथ ही आ बैठा है मेरे लबों से निकलते लफ्जों की तासीर थी या रब के साथ मेरा कामिल ताल्लुक कुछ ही लम्हों में मुझे वो खुशबू खुद से दूर जाती महसूस हुई दिल में एक गोना सुकून का उतर चला था रब को पुकारो और वो अपने बंदे को नाउमीद छोड़ दे ऐसा कैसे मुमकिन था मैं बेसाख्ता अपने रब की इनायत पर सजदा रेज हो गई जिसने मुझे ना जाने कितनी बड़ी आजमाइश से बचा लिया था अगली सुबह मेरे लिए नए सद्देबाब लेकर आई थी मैं जो रात ये सोचकर खुद को पुरसकून कर रही थी कि सब ठीक हो गया है पर सुबह ही एक नई कयामत ने मुझ नसीब के दरवाजे पर दस्तक दे दी मेरा दिल खौफ से बैठा जा रहा था अजीब बसपसों ने दिलो दिमाग पर डेरा जमा लिया था मैंने अपना आप अपने रब को सौंप दिया था पर अपनों का दुख किसी भी बेटी के लिए नाकाबले बर्दाश्त था मैं भी वही नादान साबित हुई थी खौफ ने मेरी हिस्से जामित कर दी थी। मैंने जब से अपने आप को उस कमरे तक महदूद किया था तब से ही यह वाक़ मेरे साथ पेश आ रहे थे पर कोई भी सिरा हाथ नहीं लग रहा था मेरा नाम बानो है और मेरा ताल्लुक अमृतनगर से है अमृत नगर एक छोटे से गांव का नाम है जहां पर मैं अपनी मां के साथ रहती थी एक कमरे का एक छोटा सा घर था और वही हमारी कुल कायनात था बचपन से जब मैंने होश संभाला था अम्मा को भी अपने आसपास देखा था इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था अम्मा मुझे बताती थी कि मेरे अब्बा का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था और फिर मेरी अम्मा के ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वो हम दोनों का बोझ नहीं उठा सकते थे मेरी माँ ने लोगों की बहुत मिन्नत समाजत की कि वो हमें रहने के लिए जगह देते बाकी अखराज वो खुद उठा लेंगी लेकिन कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं हुआ था और इस घर में जो मेरे अब्बा का हिस्सा था वो भी उन लोगों ने हमें देने से साफ इनकार कर दिया था मेरी अम्मा के तो आगे पीछे कोई था ही नहीं वो इकलौती थी और माँ बाप का इंतकाल हो गया इसलिए वो मुझे लेकर अपनी एक सहेली के पास आ गई थी जो कि इसी गांव में रहती थी अम्मा की सहेली ने हमें पनाह दी थी हमने कुछ वक्त तो उनके साथ गुजारा था लेकिन फिर इस तरह से किसी दूसरे पर बोझ बनकर भी ज़िंदगी नहीं गुजारते फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ ने अपने कुछ जेवर बेचे और कुछ पैसे जमा किए थे तो हमने एक छोटा सा घर खरीद लिया और तब से लेकर अब तक हम लोग इसी घर में ज़िंदगी गुजार रहे थे मेरी अम्मा पहले गांव के बड़े सरदारों के यहाँ काम करने के लिए जाया करती थी और वहीं से खाने पीने का सामान भी मिल जाता था लेकिन फिर अचानक ही अम्मा ने वो काम छोड़ दिया क्यों छोड़ा था ये बात ना तो उन्होंने मुझे बताई थी ना मैंने उनसे पूछी थी और उसके बाद मेरी अम्मा ने गांव के आखिरी कोने पर बने हुए धोबी घाट पर काम करना शुरू कर दिया मुझे अम्मा अपने साथ नहीं लेकर जाती थी और मैं घर पर ही मौजूद होती थी सारे घर के काम संभाल लेती थी मैं बचपन ही से इस घर में अकेली रह रही थी अम्मा तो अपने काम पर चली जाती थी लेकिन कभी भी मुझे इस घर में रहते हुए किसी चीज़ से डर नहीं लगा था ना ही मैं कभी खौफजदा हुई थी लेकिन पिछले कुछ अरस से एक अजीब सा खौफ था जिसने मुझे हर तरफ़ से घेर रखा था ना चाहते हुए भी मैं दिन ब दिन इस खौफ़ में इस कदर मुब्तला होती जा रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि एक वक्त आएगा कि मैं शायद इस डर से और इस खौफ से पागल हो जाऊंगी लेकिन मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी ये यकीनन सब कुछ उसी रात से शुरू हुआ था जब मैंने इस घर से बाहर निकलने की ग़लती की थी अम्मा ने मुझे बचपन ही से यह बात बहुत मरतबा समझाई थी कि मुझे बिल्कुल भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना और उस रात मैंने उसकी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया था मैं जो इस बात को बहुत छोटा और मामूली समझ रही थी लेकिन यह बात कोई मामूली नहीं थी इस बात का अंदाज़ा मुझे अब हो रहा था शुरू शुरू में तो ये डर बहुत मामूली था मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अलावा भी इस घर में कोई मौजूद है अम्मा तो घर पर नहीं होती थी और फिर मुझे अपना वहम लगता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा वहम यकीन में बदलने लगा था और अब मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे कोई साया हर वक्त मेरा पीछा करता है ये सब कुछ उस रात के बाद होना शुरू हुआ था जब मैंने इस घर से निकलने की गलती की थी और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी जिसे मैं चाहकर भी अम्मा को नहीं बता सकती थी मैं जानती थी कि अगर अम्मा को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज होंगी मगर मैं उन्हें परेशान और नाराज नहीं करना चाहती थी इसीलिए अभी तक खामोश थी जैसे ही मैं रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी थी जब तक बत्ती जलती रहती थी तो सब कुछ ठीक होता था जैसे ही कमरे की लाइट बंद होती तो मुझे अपने बिस्तर पर किसी और की मौजूदगी का एहसास होता था कोई बुरी तरह से मेरे हाथ पांव को जकड़ लेता था यहाँ तक कि मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकलती थी और ना ही मैं अपना कोई भी हाथ पांव हिला सकती थी मैं बहुत कोशिश करती थी कि अम्मा को आवाज़ दे सकूँ लेकिन मेरे गले से आवाज़ निकलती ही नहीं थी और अब तो ये रोज़ का मामूल हो गया था और जैसे ही अम्मा उठकर रोशनी करती थी तो वहां पर कुछ भी नहीं होता था इन सारी चीज़ों से अब मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी अक्सर मैं खौफनाक खाफ देखती थी जिसमें एक बहुत ही भयानक चेहरे वाला एक खौफनाक साया मेरे पीछे लगा होता था और मैं उससे बचने के लिए दूर भागती थी लेकिन अचानक ही मैं अपने आप को एक बंद कमरे में देखती थी और आसपास भागने के लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती थी जबकि वो स्याह रंग का साया जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था कदम कदम चलता मेरे करीब आता जाता और जैसे ही वो मेरे करीब आकर हाथ बढ़ाकर मुझे छूने लगता था तो अचानक से मेरी आंख खुल जाती थी अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यकीनन ये मेरी उसी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है जो मैंने की थी मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किस तरह इससे आज़ादी मिलेगी लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं अकेली इस घर में नहीं रहूंगी। इसीलिए मैंने अम्मा से ये कहा कि वो मुझे भी अपने साथ धोबी घाट ले जाया करें मैं काम में उनकी मदद करवाया करूंगी और वैसे भी पूरा दिन घर में बैठ बैठ कर मैं थक जाती हूँ पहले तो अम्मा मुझे अपने साथ ले जाने पर तैयार नहीं थी और फिर मेरी बहुत मिन्नत समाजत करने पर जाने पर उनके दिल में क्या ख्याल आया कि उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की हामी भर ली लेकिन इसकी भी एक शर्त थी उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे इसी शर्त पर अपने साथ ले जाएंगी मुझे अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढांप कर जाना होगा और सारा ध्यान अपने काम पर लगाना होगा कोई भी अनजान शख्स वहां आए मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही किसी को अपने बारे में कुछ बताना है इसके साथ ही उन्होंने एक स्या रंग का धागा मेरे हाथ पर बांध दिया और यह कहा कि इस धागे को मुझे रोज़ाना ही घर से बाहर निकलते हुए पहनना है इसे पहने बगैर मुझे घर से बाहर नहीं निकलना मुझे उनकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि जैसा उन्होंने मुझे करने को कहा है मैं वैसा ही करूंगी लेकिन वो मुझे अपने साथ ले जाया करें क्योंकि अकेले घर में मेरा दिल नहीं लगता मे जबकि हकीकत क्या थी ये मैंने उन्हें नहीं बताई थी अगले ही दिन से मैंने अपनी अम्मा के साथ धोबी घाट जाना शुरू कर दिया और अम्मा की हिदायत के मुताबिक मैं रोज़ाना जब भी घर से निकलती थी तो वह स्याह रंग का धागा अपने हाथ पर बांध लेती थी और घर में दाखिल होते ही उसे उतार कर संभाल कर रख देती थी और अब जब से मैं अम्मा के साथ वहाँ जाने लगी थी मेरा दिन तो अच्छा गुजर जाता था क्योंकि अम्मा मेरे साथ होती थी। लेकिन रात को अम्मा की मौजूदगी में मेरे साथ वही सब कुछ होता था कि पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा था ये मैंने अपने आप को किस मुश्किल में डाल दिया था मैं रोज़ दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती थी कि वो मेरी इस परेशानी को ख़त्म कर दे और वो जो कोई भी था जो मेरा पीछा कर रहा था मेरी उससे जान छूट जाए मुझे अम्मा के साथ उस धोबी घाट पर जाते हुए कुछ दिन गुजरे थे जब एक दिन अम्मा बहुत जल्दी में थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूं क्योंकि आज हमें काम पर जल्दी जाना है क्योंकि कल का काम भी कुछ बाकी था इसीलिए जल्दी जाकर पहले कल का काम निपटाना है मैंने भी घर के सारे काम काज जल्दी जल्दी निपटाए थे लेकिन उसी जल्दी में मैं अम्मा के साथ घर से निकल आई थी और अम्मा का वो दिया हुआ काले रंग का धागा मैं अपने हाथ पर बांधना भूल गई थी इस बात से अनजान के शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और आगे मुस्कबिल में मेरे साथ क्या होने वाला था ये मैं खुद नहीं जानती थी जबकि अम्मा को इस बात का इल्म नहीं था हम लोगों ने फ़ौर ही वहाँ पहुँच कर अपना काम करना शुरू किया था जब अचानक से ही एक आदमी आया और उसने अम्मा से कहा कि धोबी घाट का मालिक अम्मा को बुला रहा है उसे अम्मा के साथ आज हिसाब करना है अम्मा हैरान हुई थी क्योंकि आज तो हिसाब का दिन नहीं था लेकिन फिर भी शायद इस बारे में उनका जल्दी पैसे देने का इरादा था इसीलिए अम्मा खामोशी से उठकर चली गईं और जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि वो जल्दी आ जाएंगी मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है इधर उधर किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना और ना ही यहां से उठ कहीं जाना है वो भी थोड़ी देर पर वापस आ जाएंगी उनकी बात को मैंने अच्छी तरह से जहन में बिठाया था और उनके जाने के बाद भी अपने काम में लगी रही जब अचानक से ही मुझे अपने पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई जो कि भिकारन थी और अल्लाह के नाम पर लोगों से मांग रही थी मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ था मेरे पास और कुछ तो था नहीं लेकिन हम लोग जो घर से अपने लिए दोपहर का खाना लेकर आती थी मैंने डब्बा खोला था और अपने हिस्से की रोटी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दी ये बात सोचते हुए कि जाने वो कितने दिनों से भूखी थी उसने कुछ खाया भी था या नहीं उस औरत ने हैरत से मुझे देखा और मेरे हाथ से वो रोटी ले ली और मेरे सर पर हाथ रखा जैसे ही उसने मेरे सर पर हाथ रखा था एक झटके से वो पीछे हुई और हैरत से मुझे देखने लगी उसके बाद जो सवाल उसने मुझसे किया था उसने मुझे हैरत में डाल दिया था उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि क्या मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब वाकयात होते हैं मैं हैरान थी कि उसे ये सब कुछ कैसे पता जब उस औरत ने कहा कि वो एक फकीर नहीं है वो सब भी देख सकती है जो मैं नहीं देख सकती जैसे उसने मेरे सर पर हाथ रखा था तो उसे एहसास हुआ था कि मैं अकेली नहीं हूँ मेरे साथ कोई साया है और वो साया अच्छा नहीं है मुझे उससे नुकसान पहुंच सकता है हकीकत तो ये थी कि शायद वो मुझे नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही मेरे पीछे था उस औरत ने मुझसे कहा कि मुझे उससे शदीद खतरा है मैं जितनी जल्दी हो सके अपने आप को इससे बचा लूं वरना अगर देर हो गई तो कोई भी मुझे इससे बचा नहीं पाएगा उसकी बात ने मुझे और परेशान कर दिया था जबकि मैं तो बेबस थी मैं कुछ नहीं कर सकती थी जब मैंने उससे मदद मांगी कि वो इस मामले में मेरी कोई मदद कर दे तो उसने मुझसे कहा कि वो इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती लेकिन हाँ वो मुझे रास्ता दिखा सकती है अपनी मदद मुझे खुद करनी होगी और अपनी मंजिल मुझे खुद तलाश करनी होगी ये कहते ही उसने सामने की तरफ इशारा किया था यहां पर दूर एक छोटी सी पहाड़ी है उस बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी मौजूद होते हैं वहां पर उनका छोटा सा आस्ताना है वो मेरी इस मामले में मदद कर सकते हैं और मुझे इस सय से बचा सकते हैं अगर मुझे मदद चाहिए तो मैं उनके पास चली जाऊं वो मुझे मायूस नहीं करेंगे और जितनी जल्दी हो सके मैं उनके पास चली जाऊं कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए इतना कहकर वो वहीं सदा लगाती हुई वहाँ से चली गई जब मैं होश की दुनिया में वापस आई तो अचानक से ख्याल आया कि अम्मा वापस आने वाली होंगी इसीलिए फौरन वापस आकर अपनी जगह पर बैठ कर अपना काम करने लगी थी और अपने चेहरे पर मैंने आई हुई परेशानी को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की थी ताकि अम्मा को इस बात पर शक ना हो घर आकर मैं भी मुसलसल उस बूढ़ी औरत की बातें सोच रही थी इतना तो अंदाजा मुझे भी हो चुका था कि जो कुछ मेरे साथ पिछले दिनों हुआ था मुझे समझ आ गई थी कि मेरे साथ वाकई में कोई ऐसी ताकत मौजूद थी जिसे मैं देख नहीं सकती थी लेकिन महसूस जरूर कर सकती थी लेकिन वो मुझसे क्या चाहती थी ये बात मुझे नहीं मालूम थी लेकिन अब मुझे मजीद खौफ महसूस होने लगा था जब से मुझे ये बात पता चली थी कि वो जो भी साया था वो मेरे हक में नहीं था बल्कि वो बुरा साया था मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था तो ऐसे में वो साया मेरा पीछा क्यों कर रहा था मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं हो सकती थी मुझे कैसे भी करके इन सब से अपने आप को बचाना था क्या मुझे उस औरत की बात याद आई थी कि अगर इस मामले में मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो वही पीर साहब थे अब मुझे कैसे भी करके वहां जाना था लेकिन अम्मा तो मुझे कहीं भी अकेले जाने की इजाज़त नहीं देती थी तो फिर मैं वहाँ कैसे जाऊँगी ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था जो मुझे हर हाल में मुकम्मल करना था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था ये बात मुझे भी समझ आने लगी थी क्योंकि दिन ब दिन इस घर में जो वाकयात हो रहे थे वो बढ़ते ही जा रहे थे और ऐसे ऐसे खौफनाक वाकत मेरे साथ होने लगे थे जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकती थी अक्सर मुझे अपने कपड़ों पर ख़ून के निशान नज़र आते थे और मेरे जिस्म पर जगह जगह ज़ख्मों के निशान होते थे अब तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि मैं इस साय से छुटकारा पाने के लिए कुछ करती और फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया था उस दिन अम्मा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन लेकिन उस दिन धोबी घाट पर काम भी काफ़ी ज़्यादा था पहले तो अम्मा मुझे अकेले भेजने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन क्योंकि मुझे उनके साथ जाते हुए अब कुछ वक्त हो गया था इसीलिए उन्हें इस बात का यकीन था कि मैं अपना सारा ध्यान अपने काम पर ही लगाऊंगी उन्होंने मुझे बहुत समझाया और ये कहा था कि आज मुझे अकेले ही काम पर जाना होगा क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी जाने की मैंने भी अम्मा को घर पर आराम करने का कहा उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि मैं अकेली सारा काम संभाल लूंगी क्योंकि कुछ मैं भी आज ये चाहती थी कि अम्मा मेरे साथ ना आए ताकि मैं उस जगह जा सकूं जिसके बारे में मुझे उस फकीली ने बताया था और फिर अम्मा घर पर ही रुक गई थी और उन्होंने मुझे अकेले भेज दिया मैं फौरन से वहां पहुंची थी मैंने अपना काम करना शुरू किया था क्योंकि मुझे फ़ौर ही अपना काम ख़त्म करके उस जगह जाना था ताकि मैं पीर साहब से मिलकर इस मसले का हल निकाल सकूँ जैसे ही मैं धोबी घाट पहुंची तो आज वहां पर एक छोटा बच्चा मौजूद था जो बहुत ही खूबसूरत था लेकिन जाने वो किसका था लेकिन जब तक मैं वहां काम करती रही वो मेरे आसपास फिरता रहा कभी वो पानी की छींटे मुझ पर मारता था और कभी हंसने लगता वो मेरे साथ खेलना चाहता था और छोटी छोटी इसी तरह की और भी शरारतें करता रहा था मैं उसकी शरारतों को देख हंसने लगी थी और उसको देख बहुत खुश हो रही थी लेकिन उस वक्त उसके साथ खेलने का वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं था मुझे अपना काम खत्म करना था और मुझे वक्त निकाल कर वहाँ जाना था उस बच्चे ने भी मेरे साथ काम करवाना शुरू कर दिया जबकि मैं उससे रोकती रही मगर उसको तो जैसे मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी वो इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा था मुझे देखकर हैरत हो रही थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी महारत से ये काम कैसे कर सकता है मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो उसने मुझसे कहा कि उसके घर वाले भी यही काम करते हैं इसीलिए वो बहुत छोटा था जब से उसने अपने घर वालों के साथ ये काम करना शुरू कर दिया है इसीलिए उसे इस काम में अच्छी खासी महारत हासिल है और वह मेरे साथ मिलकर मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म करवा देगा और वह लड़का ज़्यादा छोटा भी ना था और ना ही ज़्यादा बड़ा था उसकी उम्र तकरीबन तेरह या चौदह साल के करीब होगी और उसने मुझसे भी ज़्यादा तेज़ी से काम किया और बहुत जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया इतनी जल्दी तो कभी अम्मा के साथ भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था और मैं हैरान थी और खुश भी थी कि अब मेरे पास वक्त था मैंने उस बच्चे का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चल पड़ी जबकि वह मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था अचानक ही कुछ याद आने पर जब मैं पीछे पलटी तो मैंने देखा कि वह बच्चा दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसका नाम क्या था क्योंकि अब तक मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था लेकिन वो बच्चा मुझे कहीं दिखाई न दिया मैंने हैरत से इधर उधर देखा हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं था शायद कहीं छुप गया होगा वो वैसे भी तो जब मेरे पास मौजूद था तब से ऐसी कोई ना कोई शरारत किए जा रहा था मैंने फिर से उसकी शरारत को नज़रअंदाज किया और अपने काम पर ध्यान देने के बारे में सोचा जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ कदम लेती उस पहाड़ी के पास पहुंच गई थी जैसे ही उसके पार गई तो सामने ही एक छोटा सा आस्थाना मुझे नजर आया यकीन ये वही आस्थाना था जिसके बारे में उस भिकारन ने मुझे बताया था जब मैं वहां पहुंची तो एक बुजुर्ग वहां मौजूद थे मैंने जाते ही उन्हें सलाम किया था और उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा मेरे बिना कुछ कहे ही उन्होंने मेरे बारे में बताना शुरू कर दिया और मुझसे ये कहने लगे कि मैं जिस मकसद के लिए यहां आई हूँ वो पूरा हो जाएगा मैं बिल्कुल ठीक जगह आई हूँ और मेरे साथ जो ये साया है वो बहुत ही ख़तरनाक है अगर मैं यहाँ आने में देर कर देती तो वो मुझे कोई नुकसान भी पहुँचा सकता था लेकिन क्योंकि अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ इसलिए वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा वो मुझे देखते ही समझ गए थे कि मेरे साथ कोई साया है पीर साहब ने मुझे बताया कि जो साया मेरे साथ है वो कोई मामूली नहीं है बहुत ही ताकतवर है और किसी ख़ास मकसद के तहत ही वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है लेकिन वो मकसद क्या है ये तो वो नहीं जानते मकसद को जानने के लिए उन्हें यह जानना होगा कि आखिर वो साया कहाँ से मेरे पीछे पड़ा था और ये बात मैं ही उन्हें बता सकती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी ग़लती की थी जहाँ से वो साया मेरे पीछे पड़ा जैसे ही उन्होंने मेरी गलती का जिक्र किया तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था लेकिन पीर साहब ने भी मुझसे यही कहा था कि जब तक मैं उन्हें यह नहीं बताऊंगी कि आखिर मेरे माजी में ऐसा क्या हुआ है तब तक वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते मुझे उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा उसके बाद ही वो मेरी कोई मदद कर सकते हैं और फिर उस दिन मैंने अपने माजी की उस रात पर से पर्दा उठाया था और वो राज बताया था जो आज तक मैंने अपनी माँ से भी छुपा कर रखा था यहाँ तक कि मैं खुद भी उसके बारे में कम सोचती थी कि कहीं किसी को मेरे ख्याल का इल्म ना हो जाए मैंने पीर साहब को बताना शुरू किया एक रात मैं इसी तरह से अपने बिस्तर पर सो रही थी जब अचानक से ही मुझे घर के बाहर दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई नींद में ही उठकर बैठ गई जब मैंने देखा तो मेरी माँ कमरे में मौजूद नहीं थी मैं खामोशी से उठी थी ये देखने के लिए कि अम्मा कहाँ हैं कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया था जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अम्मा ने काले रंग की चादर ली हुई है और वह घर से बाहर जा रही हैं मैं भी बिना सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी थी जबकि इस बात को मैं भूल गई थी कि अम्मा ने बचपन से ही हमेशा मुझे ये बात समझाई थी और सख्ती से मना किया था कि कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना और रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन उस वक्त मैं उनकी बात भूल गई थी और खामोशी से उनके पीछे चल पड़ी थी वह चलती जा रही थी और मैं भी उनके पीछे उसी तरह खामोशी से चलती जा रही थी जब एक वेरान जगह पर आकर वो रुक गई थी वहां पर बहुत बड़ा एक पीपल का दरख्त था जिसे देखकर ही खौफ आ रहा था उसकी शाखें इस अंधेरे में जिस तरह से हवा से झूल रही थी एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी और उसके साथ ही वहाँ का वेरान मंजर किसी के दिल में भी खौफ पैदा कर सकता था मेरी अम्मा चलती हुई उस दरक के करीब जा रही थी कि अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा अम्मा तो मेरे सामने थी तो पीछे कौन था जब खौफ के मारे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था जब दोबारा पलट कर देखा तो अम्मा भी उस जगह मौजूद नहीं थी और उसी वक्त मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाए थे मैं तेज़ तेज कदम लेती भागने लगी थी मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था ऐसा लग रहा था कोई भागता हुआ मेरे करीब आता जा रहा है लेकिन देखने पर कोई दिखाई नहीं देता था उस रात मैं बड़ी मुश्किल से भागती हुई अपने घर पहुंची थी और मैंने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया था जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि अम्मा गहरी नींद सो रही थी हैरत से मेरी आंखें मजीद खुल गई थी अगर अम्मा कमरे में सो रही थीं तो जिसके पीछे मैं बाहर गई थी वो कौन थी उस वक्त मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था जरूर अम्मा किसी वजह से मुझे घर से अकेले बाहर निकलने से रोकती थीं लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी थी और उस रात घर से बाहर निकलकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी यकीनन वहीं से ही वो साया मेरे पीछे पड़ा था मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे क्या चाहता है जबकि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलती आखिर मेरे घर से निकलने पर पाबंदी क्यों थी और वो औरत कौन थी मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी जब पीर साहब ने मेरी सारी बातें सुनते हुए अपने पास से एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी चादर मुझे दी थी और ये कहा था कि आज के बाद मैं कहीं भी अकेले जाऊँ तो इस चादर से अपने आप को ढाँप कर निकलूँ ये चादर मेरी हर बुरी चीज़ से हिफाजत करेगी और उसके साथ ही उन्होंने मुझे एक मट्टी का दिया, दिया था और ये कहा था कि मैं इसे हर रोज़ रात को अपने सहन में जलाया करूँ मुझे चालीस दिन तक उस दिए को अपने घर में जलाना था उसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा और उस साय से मेरा पीछा छूट जाएगा मैं वो दोनों चीज़ें लेकर खामोशी से घर वापस आ गई और उस दिन के बाद से मैंने रोज़ाना ही रात को वो दिया घर के सहन में जला दिया उसके साथ ही मैंने पांच वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी शुरू कर दी थी पहली रात जब मैंने वो दिया जलाया था और सुबह फजर से पहले मैं जाकर तहजुद की नमाज़ पढ़ रही थी जब मुझे अपने किचन से अजीब गरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी जैसे वहां पर कोई मौजूद है मैं उठकर जब वहां गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई के किचन के बीचों बीच में एक गोल सा दायरा बना हुआ था और उसके अंदर कुछ अजीब से अल्फाज लिखे हुए थे और उसके साथ ही काले रंग की बिल्ली आंखों में अजीब सी चमक लिए मुझे घूर रही थी मैं फौरन वहां से वापस भागी और अपने कमरे में आकर मैंने दोबारा से नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में यह भी खौफ था कि कहीं वो बिल्ली यहां ना जाए जैसे जैसे मैं नमाज़ पढ़ते जा रही थी वैसे वैसे मेरा खौफ कम हो रहा था और उसके साथ ही एक खुशबू थी जो मेरे गिरद फैलने लगी थी पहले तो मुझे उस खुशबू से खौफ महसूस हुआ था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुशबू खुद ब खुद कम हो गई थी और उसके साथ मेरा डर भी खत्म हो गया था जब से मैं वहां से होकर आई थी ये एहसास थोड़ा कम हुआ था कि मेरे साथ कोई और भी मौजूद है मेरे साथ अब वो खौफनाक वाकयात नहीं होते थे लेकिन मुझे अब अपने कमरे में और अपने आसपास से खुशबू सी महसूस होती थी जो आज से पहले मेरे साथ नहीं थी और उस खुशबू को महसूस करते ही मैं आयतुल कुर्सी का विद करने लगती थी आहिस्ता आहिस्ता वो खुशबू खुद ब खुद कम हो जाती थी उस दिन के बाद से अम्मा की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी उनके जिसम में बहुत दर्द महसूस होता था और वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी इसीलिए वो कमरे में ही मौजूद रहती थी यहाँ तक के काम पर जाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था उनकी हालत को देखते हुए मैंने यही सोचा था कि मैं उन्हें अपने साथ काम पर नहीं लेकर जाऊंगी काम को मैं अच्छे तरीके से संभाल लूंगी जबकि अम्मा को आराम की जरूरत थी अम्मा किसी चीज से बहुत ज्यादा घबराई हुई और परेशान लगती थी लेकिन मेरे पूछने पर खामोश हो जाती और यही कहती कि ऐसा कुछ नहीं है मुझे अकेले भेजना तो नहीं चाहती थी लेकिन जैसे उनकी हालत थी वो मेरे साथ नहीं जा सकती थी इसीलिए मैं अकेली ही काम पर जाने लगी थी और रोजाना ही वो लड़का आकर मेरी मदद करता था इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी उसने बस यही मुझे बताया था कि वो भी अपने माँ बाप के साथ धोबी घाट पर काम करता है लेकिन वो लोग किसी दूसरे धोबी घाट पर काम करते हैं और आजकल वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए हमारे गांव आया है इसीलिए फारग वक्त में वो यहाँ आ जाता है वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा था लेकिन फिर भी मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी उसकी शरारतें देख मैं मुस्कराती रहती थी और खुश होती रहती थी मैं ज़िंदगी में कभी इस तरह से खुश नहीं हुई थी क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं बनाया था अम्मा ने मुझे कभी किसी से मिलने जुलने की कभी इजाज़त नहीं दी थी उन्होंने तो हमेशा मुझे सिर्फ एक कमरे तक ही महदूद रखा था जबकि अब मैं बाहर की ज़िंदगी को देख बेहद खुश होती थी ये सोच करके अम्मा जब मुझे अब तक लोगों से इस तरह से खौफजदा कराती आई थी कि लोग अच्छे नहीं होते लेकिन वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता था मगर फिर ये सोचकर मैं चुप हो जाती कि अभी वो बच्चा है शायद इसीलिए वो बाकी दुनिया वालों की तरह जालिम नहीं है इसलिए मेरे हर काम में मदद कर देता है अब मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी पीर साहब की दी हुई सफ़ेद रंग की चादर को अपने ऊपर डाल कर निकलती थी और अब मुझे अपने साथ किसी साय का एहसास नहीं होता था मैं बहुत खुश थी कि उस बुरे साय ने मेरा पीछा छोड़ दिया है लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि अभी आगे एक बहुत और कड़ा इम्तहान मेरा इंतज़ार कर रहा था मैंने अम्मा का दिया हुआ धागा पहनना छोड़ दिया था क्योंकि जिस दिन मैं उसे घर भूल आई थी उस दिन के बाद मैंने घर जाकर उसे बहुत ढूंढा था लेकिन वो धागा मुझे कहीं मिला ही नहीं और अम्मा से मैंने उस धागे के गुम हो जाने का जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से उसे पहनने के लिए कहा था अब मैं अगर उन्हें यह बता देती कि वो मुझसे गुम हो गया है तो वो नाराज़ होती और वैसे भी उसके पहनने या ना पहनने से मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता था इसलिए मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया था उस दिए को घर में जलाते हुए अभी मुझे बीस दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अम्मा रात के अंधेरे में मेरे पास आईं और उन्होंने मुझसे कहा कि एक बहुत बड़ी परेशानी उनके ऊपर आ गई है और वो बहुत परेशान है उसी वजह से वो बीमार रहने लगी है अगर मैं वाकई में उनसे मोहब्बत करती हूँ तो मुझे उनका साथ देना होगा और जैसा कि मुझे करने के लिए कहेंगी मुझे वही करना होगा इस तरह से उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और हमारे हालात बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और अम्मा भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मेरी ज़िंदगी में उनके अलावा था ही कौन इसलिए मैं भी यही चाहती थी कि अम्मा जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएं। मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार थी जब उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात मुझे उनके साथ घर से बाहर जाना है हमें एक जगह जाना है जहां जाकर हमारे सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे मैंने उनसे बहुत पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया बस यही कहा कि मैं खामोशी से उनके साथ चलूँ मैंने अपनी वही सफ़ेद चादर अपने ऊपर ओढ़ ली थी और खामोशी से बिना कोई सवाल किए अम्मा के साथ चल पड़ी थी अंधेरी रात में मैं और अम्मा चलती हुई उसी वेरान जगह पर पहुंच गई थी जहां पर उस रात में अम्मा के पीछे आई थी मैं हैरान थी कि ये तो वही जगह थी और ये वही दरख्त था जहां अम्मा मुझे लेकर आई थी तो क्या उस रात वाकई में अम्मा यहां आई थी लेकिन फिर अचानक से वो कहां चली गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है जब अम्मा ने मुझे वहां बैठने के लिए कहा उन्होंने गोल दारा बनाया था और मुझे उसके बीच में बिठा दिया उसके साथ ही उन्होंने एक सुर्ख रंग का दुपट्टा थैले से निकाला था और वो दुपट्टा मेरे सर पर फैला दिया और मुझसे यह कहा कि मैं ये सफ़ेद चादर उतार कर उन्हें दे दूँ मुझे अचानक से ही पीर साहब की बात याद आई थी कि यह चादर मेरी हिफाजत करेगी और मुझे अब ख़तरे की घंटी बजती हुई महसूस हो रही थी कि यकीनन कुछ बुरा होने वाला है इसीलिए मैंने उस चादर को मजबूती से थाम लिया और अम्मा से यह कहा कि वह दुपट्टा इसी चादर के ऊपर डाल दें अम्मा ने खामोशी से वह दुपट्टा मेरे ऊपर डाल दिया और उसके बाद जाने वो क्या पढ़ने लगी थी जबकि मुझे उन्होंने खामोश रहने का कहा था और यह कहा था कि मुझे उन पर भरोसा है ना वो जो कुछ भी कर रही हैं हम दोनों की भलाई के लिए कर रही हैं मैं खामोशी से बैठी थी कि अचानक से तेज़ हवा चलने लगी थी और सब कुछ उड़ने लगा था अम्मा तेज़ तेज़ कुछ पढ़ती जा रही थी और उन्होंने जिस दायरे में मुझे बिठाया था वहाँ पर वही अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज लिखने शुरू कर दिए जो मैंने अपने घर के बावरची खाने में लिखे हुए देखे थे और दूर से ही मुझे एक बिल्ली दिखाई देने लगी थी जिसकी आंखें वैसे ही चमकदार थी ये सब कुछ तो वैसा ही हो रहा था जो मुझे खौफ जदा करता था और अब मुझे सही मानों में खौफ महसूस होने लगा था अम्मा जो कुछ भी कर रही थी वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था और फिर अचानक से ही अम्मा ने उस थैले में से एक तेज़ धार चाकू निकाला था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी थी खौफ से मेरी आंखें पूरी खुल गई थी इससे पहले कि अम्मा वो चाकू मेरे ऊपर चलाती और मुझे जान से मार देती तेज़ हवा का झोंका आया था और उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं हवा में झूल रही हूं मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद की हुई थी उसके बाद मैंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी काफ़ी देर बाद जब मुझे महसूस हुआ कि अब मैं हवा में नहीं हूं तो मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं एक कमरे में मौजूद थी कमरा बहुत ही खूबसूरत था जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो मैं एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत हवेली में मौजूद थी जबकि मैं तो उस जगह अम्मा के पास आई थी मैं अचानक कि यहां कैसे आ गई आस में किसी को तलाश कर रही थी लेकिन इस हवेली में कोई भी नहीं था जब अचानक से ही एक खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया मैं उसे देखकर घबरा गई थी जब उसने मुझसे कहा कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वही मुझे उस जगह से बचा कर यहाँ लाया था और उस दिन मुझे जो हकीकत मालूम हुई थी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा सच जुड़ा हुआ है हकीकत ये थी कि मैं उस हवेली की बेटी थी और मेरी माँ ने बहुत साल पहले ही मेरे बचपन में ही मुझे यहाँ से अगवा किया था और मुझे अपने साथ ले गई थी मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं थी बल्कि वो औरत एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और काले इल्म से बहुत सारी ताकतें हासिल करना चाहती थी उसने बहुत सारी ताकतें हासिल भी की थी लेकिन अब जो ताकत उसने हासिल करनी थी उसके लिए उसे किसी ऐसी लड़की की कुर्बानी देनी थी जो कोई सैयद सादी होती और यह हवेली सैदों की थी इसीलिए उस औरत ने मेरे बचपन में ही मुझे हवेली के बाहर से अगवा कर लिया था ताकि वो मेरे जरिए से अपना मकसद पूरा कर सके और उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा था इसलिए वो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी वो मेरे अट्ठारह साल के होने का इंतज़ार कर रही थी जैसे ही मैं अट्ठारह साल की होती वो मुझे उस दरख्त के पास ले जाकर मेरी जान लेकर अपने मकसद को पूरा करना चाहती थी और जो साया मुझे अपने साथ महसूस होता था वो साया भी उसी औरत ने मेरे पीछे लगाया था वो एक बुरा साया था जो उस औरत की उस सारे मामले में मदद कर रहा था लेकिन उसके बदले में उसे मैं चाहिए थी इस शर्त पर वो उस औरत की मदद करने के लिए राज़ी हुआ था कि बदले में वो औरत मुझे उसके हवाले कर देगी मेरे असल माँ बाप उस हवेली में रहते थे और उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की थी लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली थी लेकिन फिर आखिरकार इस हवेली में रहने वाले एक जन्जात ने मुझे तलाश कर लिया था और वो लड़का जो मौजूद था वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिनजात था उसने मुझे बताया कि वो बचपन से ही इस हवेली में रह रहा है हवेली वालों के उन जिन्नात पर बहुत एहसानात थे क्योंकि हवेली वाले बहुत नेक लोग थे और उन्होंने उन नेक जन्ाद को अपनी हवेली में पनाह दी थी इसीलिए उस जंजात ने मुझे तलाश किया था उसने अपने आप से ये वादा किया था कि वह मुझे हवेली में वापस ज़रूर ले आएगा और वो भी सही सलामत मुझे उस औरत की कैद से ज़रूर आज़ाद करवाएगा मेरी सोतीली माँ ने वो धागा मुझे इसलिए दिया था क्योंकि जब तक वो धागा मेरे हाथ में था वो जंजात मेरे क़रीब नहीं आ सकता था और उस दिन जब मैं उस धागे को घर पर भूल गई थी तो उस जन्जात ने मुझे पहचान लिया था और वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर मेरी मदद के लिए आया था जिस पीर साहब के पास उसने मुझे भेजा था वो कोई और नहीं था बल्कि वो खुद ही था जिसने वो मुझे चादर दी थी वो चादर एक बहुत ही पाक चादर थी जो मुझे हर बुरे साय से महफूज रखती थी और जो वो शरारती बच्चा मेरे काम में मेरी मदद करता था वो भी यही जंजात था उस जनजात ने अलग अलग रूपों में आकर किस तरह से मेरी मदद की थी सारी कहानी खुलकर मेरे सामने आ गई थी वो मेरे माँ बाप के एहसानों का बदला देना चाहता था और मुझे उस औरत के चुंगल से आज़ाद करवाना चाहता था इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था और फिर जब से मैंने उसकी दी हुई चादर इस्तेमाल करनी शुरू की थी तो वो शायद मुझसे दूर होने लगा था इसी वजह से मेरी माँ बीमार रहने लगी थी जब मेरी माँ को शक हो गया कि कोई था जो मेरी मदद कर रहा है और मुझे बचाना चाहता है इसीलिए मेरी माँ ने फ़ैसला कर लिया था कि अब उसे अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए और फिर जिस रात वो मुझे ख़त्म करने के लिए उस जगह लेकर गई थी ताकि मुझे ख़त्म करके हमेशा के लिए उस बुरे सए के हवाले कर दे और अपने मकसद को हासिल कर ले इससे पहले कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाती दी उस जनजात ने मुझे बचा लिया था और बाफाजत मुझे हवेली वापस ले आया था जबकि उस औरत को उसके किए की सज़ा वहीं पर मिल गई थी उसका अमल नाकाम हो गया था और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई थी क्योंकि वो साया बहुत ख़तरनाक था और शर्त के मुताबिक अगर वो औरत उससे किया हुआ वादा पूरा ना करती तो बदले में वो उस औरत की जान ले लेता इसीलिए उस बुरे साए ने उस औरत की जान ले ली थी और वो अपने अंजाम को पहुंच गई थी जबकि मैं सही सलामत अपने घर वापस आ गई थी वो जिनजाद मुझे मेरे घर छोड़कर वापस चला गया था जबकि उससे एक अजीब सी अपनाइत और मोहब्बत सी हो गई थी मेरे माँ बाप मुझे इतने सालों बाद अपने पास देख बेहद खुश थे और मैं अब हंसी खुशी अपने वालदेन के साथ इस हवेली में रहने लगी थी जबकि वो जंजात अभी भी मेरी हिफाजत करता था और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी वो खुशबू जो मुझे अपने आसपास महसूस होती थी वो उसी जंजात की थी जो मेरी हिफाजत करता था और उस बुरे साय को मुझसे दूर रखता था अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया था लेकिन फिर भी अक्सर वो खुशबू मुझे अपने करीब महसूस होती थी और मैं समझ जाती थी कि वो यहीं कहीं है कभी कभार तो मेरे कहने पर वो मेरे सामने आकर मुझसे बात भी करता था बचपन से मुझसे मोहब्बत करता था लेकिन वो ये भी जानता था कि इस मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है इसीलिए उसने कभी भी मेरे सामने अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं की थी लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा इसी तरह से मेरी हिफाज़त करता रहेगा दोस्तों अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके अल्लाह हाफिज़